نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين आज हम दुआ पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें इस चीज का यकीन होना चाहिए कि दुआ जो है अपने लिए लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुआ ही दरअसल इबादत है। अभी आप सब नमाज पढ़ के आए हैं ना, नमाज सबने पढ़ी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं नमाज के बाद दुआ करना जरूरी है कि नहीं, फर्ज है कि नहीं? तो बेसिकली हमारी पूरी की पूरी नमाज ही दुआ है। उसका उसके अंदर जो हम दुआएं पढ़ते हैं वो बेसिकली हम उनको दुआ तो कहते हैं, लेकिन हम उसे नमाज समझते हैं, उसको दुआ नहीं समझते। अगर उनकी ट्रांसलेशन पर, क्योंकि हमारी जुबान अरबी नहीं है, तो अगर अरबी जुबान पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलेगा कि एक एक चीज जो है वो दुआ है। जैसे आप दुआ इस्तफ्तहा में अल्लाहुम्मा बाईद बैनी वाली दुआ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सजदे रकू की दुआएं, अल्लाह ताला की तस्बीहात बयान करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में बहुत सी दुआएं की, जिन्होंने याद की हैं वो जरूर पढ़ें। सजदे में बहुत ज्यादा दुआएं की, फिर उसके बाद तशहुद में बहुत ज्यादा दुआएं की। ये सारी हालतें ऐसी हैं कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है, और जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं जरूर कबूल करता है, क्योंकि खुशू का लेवल और आजजी का लेवल होता है ना। इसलिए तो अब देखिए, हम सब दुआ तो करते हैं, लेकिन इसके हवाले से जब दुआएं हमारी कभी कबूल ना हो रही हो तो हमारी दुआओं के अंदर एक मायूसी आ जाती है। तो उसको हम कैसे डील करें या किन औकात में दुआएं करनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस चीज के बारे में भी सिखाएं। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा मैम। पहले तो हमें दुआ का थोड़ा सा तारुफ करवा देना। जैसे नमाज का अगर हम सोचें तो ज़हन में आता है कि सजदा करेंगे, रुकू करेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो दुआ को सोचें तो ज़हन में क्या आना चाहिए, बेसिकली दुआ क्या चीज़ है? एक इबादत तो है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम में? हाँ जी, इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह को पसंद है कि बंदा उससे मांगे, और अल्लाह ताला के साथ जो मांगने का रिश्ता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है। इससे इंसान अल्लाह के बहुत करीब जाता है। वो लोग जो दुआएं नहीं करते उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक कितना स्ट्रांग नहीं होता, और अक्सर दुआएं इंसान मुश्किलात में, मुसीबत में, परेशानी में करता रहता है। और अगर हम इसको अहादीस की रोशनी में देखें कि इसकी फजीलत और इसकी अहमियत क्या है, तो एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ के सिवा कोई भी चीज तकदीर को रद्द नहीं कर सकती, और नेकी के अलावा कोई भी चीज उम्र में इजाफा नहीं करती, और इंसान गुनाहों के इर्तकाब के सबब रिस्क से महरूम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज इससे हमें यह पता चलती है कि हम समझते हैं तकदीर, तकदीर के साथ सिर्फ एक ही चीज लड़ाई कर सकती है, वो क्या है? दुआ। आसमान से तकदीर का फैसला होता है और जमीन से बंदे की दुआएं जाती हैं, आपस में इनकी लड़ाई होती है, और जो चीज ज्यादा ताकतवर हो वो जीत जाती है। और इंसान की दुआएं, चूंकि इंसान के जज्बात पर, इंसान की फीलिंग्स पर मबनी होती हैं,
वो दुआएं जो है तकदीर पर गलबा पा लेती हैं। फिर इसी तरह तिर्मिज़ी की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो और इस यकीन के साथ कि वो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। जब इंसान का यकीन नहीं होता, इंसान तजब्जुब में होता है, मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होनी, इंसान को अल्लाह ताला पे भरोसा ही नहीं होता, तो फिर उस सूरत में उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। जब भी दुआ करनी है, अपने अंदर ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही और बेतौजीही से मांगी हुई गफलत और लहो लहब में मुबतला दिल की दुआ कबूल नहीं करता। मसलन जैसे हम लोगों को दुआएं देते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारे साथ बेहतर करे, अल्लाह तुम्हारा, हमारी फीलिंग्स नहीं होती। मकसद मतलब यहाँ पे बेपरवाही से मुराद फीलिंग लेस दुआएं हैं। हम अपने लिए भी बहुत सी दुआएं नमाज के बाद हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह मुझे ये भी दे देना, मेरा ये भी मसला हल कर देना, बस तोते की तरह ये दुआएं कह दी और उठ गए वहां से। आप चाहे दिन में 10 मिनट के लिए, या आप काम जरूरी नहीं दुआ के लिए आप मसल्ले पर बैठे हाथ उठाएं, फिर ही आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप खाना बना रहे हैं, आपके अंदर एक जंग है, फीलिंग्स हैं, आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस वक्त में आप दुआएं मांगी। अल्लाह सुबहाना ताला ने दुआ के लिए कोई प्रॉपर ये नहीं कहा कि इस तरह से बैठना है और इस तरह करना है तो फिर दुआ कबूल होगी। बस अल्लाह को हमारी फीलिंग्स चाहिए होती हैं कि इंसान जितनी तवज्जो के साथ कनेक्ट कर लेता है खुद को अल्लाह के साथ, फिर अल्लाह की हाँ उसकी दुआएं उतनी ही कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में ये बात फरमाई कि जिसे अच्छा लगता है और जिसे पसंद आए कि वो मसाइब और मुश्किलात में अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे, तो वो क्या करे कि जब उसके हालात बड़े अच्छे हों, यानी खुशहाल हालात हों, तब भी कसरत से दुआएं किया करे। ठीक है, तो मुश्किलात की दुआएं की कबूलियत चाहिए तो उसके लिए अल्लाह से खुशहाली में भी एक रिश्ता होना चाहिए। यस मैम, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि दुआ ज़रूरी है, यानी इसके बगैर हम वैसे सरवाइव नहीं कर सकते जैसे एक मुसलमान या एक मोमिन पुरसकून होकर सरवाइव कर सकते हैं, हर तरह के हालात में दुआ ज़रूरी होती है। लेकिन मैम अगर कोई दुआ नहीं, उसे लगता है कि मुझे दुआ मांगना नहीं आता, तो बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए कि उसे दुआ मांगना आ जाए? कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी कि वो उसकी दुआ में शामिल होंगी तो उसे भी लगेगा कि उसकी दुआ वैलिड है और उसे ये भी यकीन होगा कि मेरी ये दुआ कबूल भी होगी? दुआ के लिए कोई इतना खास क्राइटेरिया नहीं है। आपको अभी यही बात बताई गई है कि आपका अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक हो, वो ताल्लुक कैसा हो कि आप अल्लाह से बातें करना जानते हों। और अल्लाह से बातें करना मुश्किल नहीं, आप जब भी प्रॉब्लम्स में हैं, मुश्किल में हैं, मसलन आपका कोई काम नहीं हो रहा, घर का कोई काम है, या फिर आप कहते हैं या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, दिस इज दुआ। ठीक है, इसके लिए कोई खास कवानीन नहीं है कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। हाँ, अगर आप प्रॉपर वे में दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा पे आप गौर करें, वो भी उसके लास्ट पे हम दुआएं मांगते हैं, उसमें एक पूरा हमें मेथड पता चलता है कि जब भी दुआ करें अल्लाह ताला की तस्बीहात, अल्लाह की तारीफ करें। ये है एक तो चलते फिरते दुआएं ना, छोटे छोटे मसले में अल्लाह से दुआ किया करें। मसलन आपका टाइम आपके पास थोड़ा है, आप कहेंगे अल्लाह मेरा काम जो है मेरे से मैनेज हो जाए, कोई मुश्किल ना आए, कोई परेशानी ना आए, चलते फिरते अल्लाह से दुआ करें, ये आसान सी है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको फिर जाए नमाज पर प्रॉपर बैठ के दिल चाहते हैं कि आंसू बहाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, उसमें आप इस तरह से करें कि अल्लाह ताला की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जरूरी नहीं सिर्फ ये, अल्लाह की तारीफ करें बहुत ज्यादा। अल्लाह को पसंद है कि वो उसका बंदा उसकी तारीफ करे, अल्लाह को पसंद है उसका बंदा उसके बारे में जान पहचान रखता हो। इंसान जब अपने सामने ये कहता है मालिक यौमिद्दीन कि तू ही मालिक है, तो फिर इंसान के अंदर और आजजी आ जाती है। अल्लाह की तारीफ इसलिए जरूरी है ताकि हमारे अंदर आजजी आए, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे, लेकिन एक चीज है कि ऐसे काम जो मुमकिन नहीं वो ना मांगे। मसलन
जैसे कि हम कहें किसी में कोई मुर्दा है उसको जिंदा कर दे, ठीक है, इस तरह से, या अल्लाह रात है तो रात में से दिन निकाल दे, ऐसे तमाम काम जो कि पॉसिबल नहीं उनके बारे में दुआ ना करें, बाकी अल्लाह ताला से जो चाहें आप मांग सकते हैं गिड़गिड़ा कर, रो कर। लेकिन एक चीज के अगर आपको रोना नहीं भी ना आ रहा तो अपना रोने वाला मुंह बना ले, यानी हमारी आजजी जो है ना होनी चाहिए बहुत ज्यादा। वैसे भी आप देखें किसी भी इंसान के पास जाए, टैके से आप कहें या नॉर्मली मुझे ये चीज चाहिए, वो बंदा उस तरह से आपको वो चीज नहीं देता जिस तरह आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो अल्लाह से भी हमारा दुआ में रिक्वेस्ट वाला था, या अल्लाह ये हो जाए मेरे साथ, मेरा ये काम हो जाए, मैं तेरी बड़ी शुक्र गुजार हूँ, अभी भी हूँ बाद में। मैम अगर दुआ जैसे आपने कहा कि अल्लाह से बातें करते हुए आप मांग सकते हैं, तो वो एक नॉर्मल रूटीन वाली होती हैं दुआएं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जब जाए नमाज पे बैठे हों तो दिल निकाल रहा होता है कि अब बंदा उस लहजे में दुआ मांगे, कि जैसे किसी की जो भी जुबान है, पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी है, तो वो दिल करता है कि हम दुआ जो है वो जैसे नमाज पढ़ी अरबी में तो वैसे ही दुआ मांगे। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब दुआ की कबूलियत पे कि अरबी में होनी चाहिए या उर्दू में होनी चाहिए। दुआ के लिए अल्लाह ताला के साथ हमने दुआएं मांगनी है ना, तो आप किसी भी जुबान में दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो अरबी दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल ने दुआएं मांगी है, वो इतनी खूबसूरत दुआएं हैं कि अगर हमें, हम सोच भी नहीं सकते कि हमें इस तरह की दुआएं करनी है। मसलन आप सुबह शाम के अस्कार देख लें, ठीक है, अस्कार में कितनी खूबसूरत दुआएं कि हम अल्लाह ताला से क्या क्या सब कुछ मांग लेते हैं। तो आपने ये सवाल किया है कि क्या अरबी दुआएं मांगने का हमें दिल करे, तो उसके लिए ना आप नमाज की दुआएं मांगे करें, मसलन अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू, ये दुआ बहुत खूबसूरत है, आप इनको मांगे। इसके अलावा रब्बी गुफिरली भी एक दुआ है, ये अल्लाह तआला से मांगे। फिर जो आप अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये भी एक दुआ है, ये अल्लाह से मांगे जब अरबी दुआएं मांगने का दिल करे। लेकिन कबूलियत का ताल्लुक अरबी और उर्दू में नहीं है, उसके लिए आपकी आजजी, आपके दिल का खुशू होना चाहिए। हाँ, जब अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो करते हुए आप वो दुआएं करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लम ने की, एक तो उन दुआओं, वो दुआएं बहुत वसीम हैं, उसमें हमारे ईमान की सलामती की दुआएं, हमारी हिदायत की दुआएं, दूसरा उस सुन्नत को फॉलो करने का भी हमें अजर मिलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने दुआ किया करते थे अपने लिए, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, तो महबूब जैसे काम करता है वैसे करने से मोहब्बत करने वाले को भी अच्छी फीलिंग्स आती हैं और उसकी मोहब्बत का इजहार भी हो जाता है। मैम अक्सर ये होता है ना कि हम जैसे अपनी जुबान में अच्छी बात बता सकते हैं, यानी अगर किसी को नहीं समझ आ रही चीज़ तो हम उसे पंजाबी में ज़्यादा अच्छी समझा सकते हैं, लेकिन अगर किसी जुबान उर्दू है तो हम उसे उर्दू में ज़्यादा अच्छी समझा सकते हैं। इस तरह दुआ अगर फीलिंग है, कैफियत है एक, तो वो मेरे ख्याल से अगर किसी की जुबान अरबी है तो वो उसे फीलिंग आ सकती है, लेकिन हमने जो दुआएं याद की होती हैं हमें तो उनका मफहूम मानी भी नहीं पता होता, तो फिर वो फीलिंग नहीं आती अक्सर। इसी वजह से शायद हमारी दुआएं वो ज्यादा मजा भी हमें नहीं आता दुआ मांगते हुए, कि हम अगर अरबी में मांगते हैं तो वो मखसूस अल्फाज होते हैं, हमें उनका मतलब नहीं पता होता, तो जब हम उर्दू में मांगते हैं तो हमें सही फील होता है कि हमने दुआ मांगी भी है। लेकिन ये है कि आप अरबी दुआएं सीखें और इसके साथ साथ उसका तर्जमा भी, क्योंकि यकीन जाने हमारी हमारी जुबानों में कोई भी ऐसी जुबान नहीं है जो इतनी खूबसूरत दुआएं जिसने की जा सकती, क्योंकि ये दुआएं ऐसी हैं, ये नहीं कि मैंने आपको पहले ये वाजे कर दिया कि जरूरी नहीं है कि आपको अपनी हाजत अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है तो आप क्या करें कि प्रॉपर अरबी में पढ़ें। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास अल्फाज नहीं होते, तो कुछ दुआएं हमें याद होती हैं, वही हमारे दिल की कैफियत को बयान कर रही होती हैं, फिर आप चलते फिरते अल्लाह ताला से वो दुआएं करते रहते हैं। तो कुछ दुआएं हमें आनी चाहिए विद उसकी ट्रांसलेशन, ताकि हम अल्लाह ताला से दुआ उस अंदाज में भी कर सकें। तो मैम दुआ के लिए औकात यानी कुछ मखसूस हैं कि जिनमें अगर मांगें तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारा काम हो सकता है और दुआ कबूल हो सकती है? जी बिल्कुल, हदीस में अगर हम थोड़ा सा गौर करें
तो कुछ ऐसे औकात हैं कि जिसमें अगर दुआएं की जाएं तो दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, औकात भी और जगहें भी। सबसे पहली चीज अगर हम रमजान के हवाले से देखें तो लैलतुल कदर, इसमें की गई दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इसके बारे में आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना कि जब मैं इस रात को पाऊं तो अल्लाह से क्या मांगू, तो अल्लाह सुबहान तआला के रसूल ने क्या कहा कि अल्लाह से मगफरत तलब करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी। उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में जब इंसान को अल्लाह ताला कहते हैं कौन है जो मुझे पुकारे मैं इसकी दुआ कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसे अता करूँ, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश करे तो मैं इसे बख्श दूँ, सही बुखारी में आई। फिर उसके बाद फर्ज नमाजों के बाद, यानी ये एक हदीस है जिसमें जिसके दो मतलब निकाले गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि फर्ज नमाजों के बाद दुआ, और कुछ ने कहा जैसे इमाम इब्ने तैमिया ने इसके बारे में ये कहा कि इससे मुराद ये है कि जब इंसान की नमाज खत्म हो जाती है और सलाम से पहले जब तशहुद की हालत में हम बैठते हैं तो हम दुरूद पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अल्लाह के रसूल सल्लम ने दुआ सिखाई अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल कब्र, ये पढ़ने के बाद उसके बाद जितनी भी हम दुआएं, क्योंकि नमाज में तो अरबी में मांग सकते हैं ना, नमाज में तो उर्दू नहीं कर सकते, इसलिए आपको अरबी में थोड़ी दुआएं याद करनी चाहिए ताकि हम अपने सजदों और रुकू के अंदर दुआएं कर सकें, क्योंकि नमाज की एक लैंग्वेज है और उसमें हमने वही लैंग्वेज रखनी है, बाकी जो मर्जी करें। इस वजह से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए रमजान में रोज एक दुआ याद कर लें। तो तशहुद की हालत में जब हम बैठें तो उस वक्त अपने लिए खास दुआएं मांगा करें, उसमें दुआएं बहुत कबूल होती हैं, सजदे की हालत में भी दुआएं कबूल होती हैं। तो वो जो दुआएं हमने याद की होती है ना, हम उनको सजदों में भी पढ़ सकते हैं जितनी मर्जी पढ़ें, और हम उसको तशहुद में भी सलाम से पहले अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। फिर इसी तरह अजान और इकामत के दरमियान भी दुआएं जो है रद्द नहीं होती। बारिश के वक्त रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया दो दुआएं रद्द नहीं होती, अजान के वक्त की दुआ और बारिश के वक्त की दुआ। फिर इसके अलावा सही मुस्लिम की एक हदीस है कि रात के किसी भी हिस्से में दो दुआ की जाती है ना, यानी रात के वक्त एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें कोई भी मुसलमान दुनियावी या उखरवी खैर मांगे तो इसे वो चीज दे दी जाती है। ये घड़ी हर रात आती है, जुम्मे के दिन भी कबूलियत की एक घड़ी होती है जिसका वक्त होता है असर से मगरिब के दरमियान, और इसमें भी की गई दुआएं कबूल होती हैं। जब हम जमजम पीते हैं उस वक्त भी दुआएं कबूल होती हैं। इसके बारे में हदीस है कि जमजम का पानी हर उस मकसद के लिए जिस मकसद से पिया जाए उसको वो अता कर देता है। फिर सजदे की हालत में भी इंसान की दुआएं कबूल होती हैं। फिर मुसीबत जब इंसान पे आती है तो इंसान ये दुआ पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफली खैरम मिन्हा। जब इंसान ये दुआ करता है तो अल्लाह ताला उससे अच्छा बदला जरूर अता करते हैं। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है कि उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कोई भी मुसलमान किसी भी मुसीबत के पहुंचने पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इससे बेहतरीन बदला अदा करते हैं। अभी और भी हैं बता दूं, नहीं, अभी और भी औकात है, नहीं बस काफी है। नहीं बस काफी है, हमारे लिए यही काफी है अगर हम इन पे अमल कर रहे तो। लेकिन ये मेरे ख्याल से हमें याद रखना चाहिए कि बेशक कबूलियत के औकात है, हमारी दुआ में शिद्दत भी है, सब कुछ है, हाँ लेकिन जी फिर भी वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फिर तवक्कल बिल्ला जो हमने कल डिस्कस हाँ किया था कि फिर ये नहीं कहना कि अब मेरी कबूल ही नहीं होती तो मैं मांगना छोड़ दूँ, तो इसका बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जी और जैसे मैम दुआ की कबूलियत पे कुछ चीजें असरअंदाज भी होती हैं, जैसे मैं एक जगह पढ़ रही थी कि जो वालदैन के नाफरमान होते हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह के नाफरमानों की भी नहीं होती, लेकिन जो वालदैन के नाफरमान होते हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। और उसमें वो वाकया रिपोर्ट किया हुआ था जो अवैस कतनी रजी अल्लाह अन्हु वाला, कि रसूल अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया कि एक ऐसा शख्स है कि उसकी दुआएं कबूल होती हैं, तो रसूल साहबा ने पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
वो अपनी वालदा का फर्मा बरदार है, यानी उसकी खिदमत बहुत ज्यादा करता है, तो वो जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। तो फिर सैयदना उमर ने उनसे दुआ करवाई थी जब वो यहाँ पे आए थे, कि उनसे कहा था कि आप मेरे लिए दुआ करें, आपके बारे में रसूल अल्लाह ने ऐसे फरमाया। तो आपके ख्याल में इसके अलावा यानी वालदैन का फर्मा बरदार अगर बंदा है तो दुआ कबूल होगी, इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो दुआ पे असर अंदाज हो सकती है? कबूल नहीं होती, और जो बंदा जुल्म करता है लोगों पर उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। सही बुहारी में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि मजलूम की बददुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह और मजलूम की बददुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं, यानी मजलूम की जुबान से भी ना निकले उसकी आँख ही काफी हो जाती है। तो इसलिए जुल्म ना करें लोगों पर, ज्यादती ना करें किसी पर, लोगों की आह से बचें, ये ना हो कि आपकी दुआएं कमजोर पड़ जाएं लोगों की बददुआओं के सामने। क्योंकि जो वालदैन की आपने बात की ना, तो जो बंदा अपने वालदैन की नाफरमानी करता है तो वालदैन की बददुआ भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। सही हदीस है कि तीन दुआएं कबूल होती हैं, मजलूम के लिए बददुआ, तो एक गुनाहों की वजह से जब इंसान के गुनाह बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको पहले तोबा करनी चाहिए, इस्तगफार। और जो बंदा अल्लाह ताला से तोबा इस्तगफार करता है ना, अल्लाह ताला उसको मुकम्मल पाक कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए वैसे ही मामलात होते हैं जैसे फिर उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया जाता है। तो जब हम गुनाहों से अपने गुनाहगार हैं तो अल्लाह से दुआएं करते जा रहे हैं, तोबा की कोई जरूरत ही नहीं हम महसूस कर रहे कि हमारे गुनाह भी आए कि नहीं, बस एक खास जरूरत लेके अल्लाह के दर पर चले जाते हैं। तो हमें पहले सोचना चाहिए कि मेरे गुनाहों की वजह से मुझे दुद्कारा भी जा सकता है जितने मैंने गुनाह किए, ठीक है। तो एक ये, और दूसरा जुल्म ना करें किसी पर, ज्यादती ना करें, और लोगों का हक ना खाएं, लोगों का जो हक है उसको खा लेना ये भी एक जुल्म होता है, और वो जुल्म हमें तो नहीं पता लेकिन मजलूम के दिल से हमारे लिए अच्छी दुआएं नहीं निकलती। ये लोगों की दो बंदा लोगों की दुआएं लेता है ना, उसकी अपनी दुआएं भी बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। ये एक तजुर्बा आप करके देखें कि लोगों के साथ ना आसानी वाला मामला किया करें ताकि लोग मजबूर हो जाए आपको दुआएं देने पर। अगर बच्चे तंग कर रहे हैं तो वालदैन क्या देते हैं? कुछ भी, खासतौर पर माएँ जो हैं, क्योंकि वो बेचारी कामों से तंग ही होती हैं, तो जब बच्चे तंग करते हैं तो वो फिर उनको सुना देती हैं। लेकिन ये जिस की बात हम कर रहे हैं कि वो कबूल होती है, वो तो और तरह की बात होगी ना, ये जो नॉर्मली वर्ड यूज कर रही है माएँ, ये तो नहीं उसमें शामिल होगा ना, ये तो वैसे ही माएँ कह देती हैं। वैसे भी ये शामिल नहीं होगा जो तो दिल से बददुआ निकलती है, और उसके लिए अल्फाज की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी माओं से गुजारिश है कि दुआएं दिया करें अपने बच्चों को। आपको वो वाकया याद होगा कि इमाम काबा का, कि जब वो छोटे थे उन्होंने एक खुतबे में कहा कि जब मैं छोटा था तो जब हमारे घर मेहमान आते थे, तो जब भी मेहमान आते ना तो